हेलो एवरीवन, मैं दीपक गौतम बात दिल से के एपिसोड नंबर 5 में फिर से आ गया हूँ एक नए एक्सपीरियंस के साथ, एक नई जर्नी के साथ जो आपके संग आज मैं साझा करूँगा। और गाइस, आज मैं बताऊँगा कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक मुनाफा होता है, एक बेनिफिट्स होता है। अगर आप कुछ एफर्ट डाल रहे हैं या कोई किसी जगह मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलता है। ये जिसने भी कहा है बहुत ठीक कहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। स्कूल डेज में जब हम थे तो हमने एक चैनल चालू किया दीपक गौतम आसियाना, जो बाद में दी लास्ट बेंचर्स बन गया। और उसमें हम ट्यूटोरियल सिखाते थे, मैं एंकरिंग करता था, मेरे जो छोटे भाई हैं चंदन, वो आप देखते होंगे पार्कर और बैक हैंड फ्लिप, ये वो सब सिखाते थे। और उसके बाद जब कुछ टाइम हुआ तो हमने कहा कि अब हमें मूव करना चाहिए, मतलब बदलना चाहिए, ये हमारा जॉनर नहीं है, हम एक फिल्म मेकर लोग हैं। और अदर चीज़ें आई तो उस चैनल को फिर कन्वर्ट, जब दी लास्ट वेंचर में कन्वर्ट हुआ, अब वो चैनल उसके बाद जो बना वो बना कि मेरा जो एरिया ऑफ बैकग्राउंड है कि मैं एक MBA का लड़का हूँ या फाइनेंस रिलेटेड लड़का हूँ या बिजनेस रिलेटेड लड़का हूँ, तो मैं उसमें मोटिवेशनल हो गया कि मैं मोटिवेशन की बातें बताऊँगा। और सेम उसी चैनल पर जो हमारे छोटे भाई चंदन गौतम, वो आपको बताएंगे फैशन की बातें। अब आप कहेंगे कि फ़ायदा बताओ ना, ये क्या बता रहे हो आप, तो मैं बताता हूँ कि उस समय तक हम काम करते रहे, बहुत अच्छे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे थे, या वीडियो पे इतना लाइक भी नहीं था, लोगों का अप्रिशिएशन भी इतना नहीं था। लेकिन वो जो हम वीडियोस बनाते थे उससे फ़ायदा क्या हुआ, जब वो हम वीडियोस बनाते, जैसे जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था या हमारे चंदन भाई फैशन पे जो वीडियोस बनाते थे, उस वीडियोस की वजह से, मैंने आपको बताया था ना कि एक जगह मैंने जूनियर आर्टिस्ट का काम किया था एक फिल्म में, तो उस फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनसे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं जूनियर आर्टिस्ट गया था, वो बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, तो उतना इंटरेक्शन नहीं होता है और ना आपको उतनी तवज्जो मिलती है, क्योंकि उनका भी अपना सर्टन एरिया है, वो भी बिजी रहते हैं सारी चीज़ें। तो उसके बाद जो हम ये वीडियोस बनाते थे, मोटिवेशनल वीडियोस, फैशन वाली वीडियोस, ये लगातार इंस्टाग्राम के मीडियम से उन तक पहुंचता रहा, एक सोशल मीडिया मैसेजिंग जो सिस्टम उसके थ्रू पहुंचता रहा। वो कौन, क्योंकि चंदन भाई जो हमारे हैं वो शेयर करते थे, टेक्निकल डिपार्टमेंट देखते हैं, तो जब उन्होंने देखा तो वो अदर अदर बिजनेस में थे, तो जब ये एजुकेशनल सेक्टर है जैसे बायजूस हो गया या अदर अदर ये जो नए ऐप आए जिसकी वजह से एजुकेशन का सिस्टम बढ़ा 2020 में लॉकडाउन के टाइम, उसी टाइम हमारा बूम का टाइम आया और उसी टाइम TLV फिल्म्स पनपा और TLV फिल्म्स ग्रोथ किया, TLV फिल्म्स ने पैसे कमाए, TLV फिल्म्स बड़ा होने लग गया। क्योंकि वो जब वीडियोस उन तक पहुंची तो उनके दिमाग में आया, उनके दिमाग में आया कि मैं, मेरे को बायजूस जैसी कोई कंपनी क्रिएट करनी है। वो बिजनेसमैन आदमी थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्लस बिजनेसमैन, तो उन्होंने अपनी जो कंपनी शुरू की तो उसके लिए जो एजुकेशनल वीडियोस बनाने थे उनको, तो वो जो हम वीडियोस बनाते थे फैशन का, ये मोटिवेशन का, उन्होंने वो देखा, उन्होंने कहा, और उन्होंने मुझे देन कॉल कर दिया एक दिन कि जो आप लोग वीडियोस बनाते हैं फैशन या मोटिवेशन का, वो मैंने वीडियोस देखे हैं, क्या उस तरीके के वीडियोस आप मेरे को बना के दे सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर। तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ से वो उन्होंने पहले बात की होगी कितने रुपए में वीडियो बनती है, वो थोड़ा सा महंगा चार्ज कर रहे होंगे, तब उनको मेरे संग एसोसिएशन मिला, उनको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि इस लड़के ने मेरे संग, एज ए जूनियर आर्टिस्ट आया था मेरी फिल्म में और आज देखो अच्छा कर रहा है। तो उस वीडियोस की वजह से हमें लगभग 100 एजुकेशनल वीडियो शूट करने को मिल गए। आप समझिए, हमारी कंपनी जो टेलीफिल्म था उसने एडिट किया, शॉर्ट्स लिए, है ना, सारा काम चंदन करा, सारा मेहनत उनका रहा, एज ए कमर्शियल डिपार्टमेंट मैंने देखा। और उस 100 वीडियोस की वजह से हमारे पास कुछ पैसे आए जिसके वजह से हमने अपने प्रोडक्ट्स ना उसको, अपने टेलीफिल्म जो हमारी कंपनी है उसको डेवलप किया। तो गाइस, अब आप बताइए क्या नेटवर्क से, कनेक्शन से काम होते हैं या नहीं होता है? और जो लोग मुझको ये बोलते थे, जो भी मेरे यार दोस्त थे, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे कि तू ये जो वीडियोस बनाता है मोटिवेशन का, ये जो तुम्हारा भाई बनाता है फैशन के, से कौन देखता है यार, तुम लोग को देखना कौन चाहता है, हैं, तुम अपने व्यूज तो देखो, व्यूज भी नहीं आते हैं, लाइक भी नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं और तुम लगे पड़े हो। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि सोचिए, अगर जो दीपक गौतम आसिना चैनल था या दी लास्ट बेंचर चैनल जो बाद में बन गया, आप समझ रहे हैं, उस समय चालू नहीं किया होता, अगर उसमें हम ट्यूटोरियल्स नहीं कर रहे होते, फिर उसके बाद हम ये भी नहीं समझ पाते कि हमें मूव करना है दूसरी जगह, अगर हम फैशन या मोटिवेशन में मूव नहीं करते तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उन तक की बात नहीं जाती कि ये वीडियोज भी बना लेते हैं और इस तरीके से काम कर लेते हैं। अब दूसरा सोचिए, लोग कहते हैं ना कि शेयर नहीं करना चाहिए और आप मेरे को शेयर करते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार तू मेरे को बार बार शेयर कर देता है व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इरिटेट करते लिंक। अब आप बताइए, शेयर करने से फ़ायदा होता है कि नहीं होता है? अगर हमारे चंदन गौतम जी सिर्फ वीडियोस बनाते रहते और शेयर नहीं करते, उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास नहीं पहुंचता, तो क्या जो TLV फिल्म्स आज इतना बड़ा बना है बन पाता, कोई कंपनी उसको काम दे पाती, आज एज प्रोफाइल बोल लूँ, एज फाइनेंस बोल लूँ और या अदर चीज़ों को लेकर बोल लूँ, तो पैसा तो आ रहा है ना, तो अब कितनी चीज़ें सीखने को मिली कि नेटवर्क काम आता है, टैलेंट भी काम आता है। जो भी आप कभी शुरुआत करते हैं
तो समय के साथ अगर आपको बदलाव लाना पड़ रहा है तो आपको बदलना भी चाहिए, बदलाव भी लाना चाहिए, और उस बदलाव के वजह से आप चीजें कर पाते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके लिए आपका बेबी है, आपका बच्चा है, तो उसको जितना शेयर कर सके, जितना एक्सपोज कर सके, जितने उसकी मार्केटिंग कर सके, जितना आपके हाथ में करिए। तो जो भी मेरे दोस्त कहते थे, अगर उनको ये वीडियो वो देखें तो इस बात को समझ लें कि आप बोलते थे ना तुमने क्या अचीव किया है, तो आज मैंने वो चीज़ ओपन कर दी कि मैंने ये चीज़ अचीव की थी। और इन फ्यूचर कभी फिर बताऊंगा कि दीपक गौतम आसियाना चैनल जो उसमें बना था, या दी लास्ट वेंचर जो बाद में कन्वर्ट हो गया और आज भी है, वो बना था, वो किस हालातों में बना था, वो भी किसी वीडियो में बताएंगे। गाइस फिर मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।